वेलकम बैक माय चैनल। मेरा नाम है विजय बसन है और आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज मैं कहीं जाने वाली हूँ, वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग शॉप थी वो। मैं लोकेशन भी आप लोगों को बता दूंगी और वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें खरीदी थी और मेरे लिए बहुत रीजनेबल रही थी। तो इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी और आपके लिए भी रीजनेबल रहेगी। तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो अपनी फैमिली मेम्बर्स और जिनको आप फैमिली मेम्बर्स से ही शेयर कर लेना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मेरा नाम है विजय बसन है और विश व्लॉग्स में आप सबका वेलकम। तो ये आज मैं जाने वाली थी एक इंटरेस्टिंग शॉप पर, तो वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। बहुत अच्छी शॉप थी, प्लास्टिक की चीज़ें घर की वहाँ मिल रही थी जो कि अब 200-250 की मिलती हैं, वहाँ बहुत रिजनेबल प्राइस में थी। तो मैं आपको वहाँ का एड्रेस भी बताऊँगी, वीडियो एंड तक देखिएगा। और मैंने कुछ चीज़ें वहाँ से परचेज़ की और ये नया साहिबा को बहुत भूख लग रही थी, वो रस्ते में ही चप्पल खाने लग गई थी। मसला ये था कि हमारे घर से वो 10 मिनट्स की दूरी पर था, पर वो जो इनाया साहिबा थी, सॉरी वो जो रक्षे वाला था, उन्होंने जो है वो 10 मिनट की दूरी के लिए भी पेट्रोल डलवाना था तो उन्होंने रोक लिया। पेट्रोल डलवाना था आई थिंक या ऑयल डलवाना था कुछ भी, तो उन्होंने रोक दिया। तो ये रास्ते में हम जा रहे हैं वहाँ पर और पहुँच के मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। बहुत अच्छी शॉप थी, वहाँ से हमें जो चीज़ें ऑनलाइन परचेज़ करते हैं वो हम बस ऐसी वीडियो देख के परचेज़ कर लेते हैं, बट यहाँ वही चीज़ें थीं जो कि मैं पहले भी एक बार ऑर्डर कर चुकी हूँ चीज़ें, और यहाँ वही चीज़ें मैं खुद अपने आँखों से देख कर ले रही थी तो मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा था। और इनकी प्राइस भी उनके हिसाब से, ऑनलाइन के हिसाब से थोड़ी सस्ती इसलिए पड़ जाती है क्योंकि अगर हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो 200 हमें एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ जाते हैं, तो इसलिए वैसे वो ज़्यादा इसलिए ईजी होता है कि आपको घर पर आपको ख़ुद कहीं नहीं जाना पड़ता। और यहाँ पे ये जो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे घर की ही चीज़ें थी सारी, और इसके अलावा बहुत सारे स्टैंड थे जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपका बर्ड को अरेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हो, वो सब मुझे 120 में मिल रहा था। और ये सारी जो मैं चीज़ें आपको दिखा रही हूँ अभी, ये सारी 20 रुपीज़ की थी और मैंने कुछ कॉम परचेज़ की थी अपने अम्मी के घर के लिए, और काफ़ी और कुछ क्लिप्स वगैरह इनाया के लिए ली थी और अपनी सिस्टर के लिए ली थी वहाँ से। तो ये सारी 120 की चीज़ें थी जहाँ से मैं कॉम परचेज़ कर रही हूँ। और इसके अलावा आगे बहुत अच्छी चीज़ें थी, वहाँ पे पिज़्ज़ा पैन था, 200 का पिज़्ज़ा पैन मिल रहा था और सबसे बड़ा वाला साइज़ 280 का था, मतलब वो सारे साइजेस में थे। और छोटू सी कढ़ाई भी मिल रही थी जो कि 150 की रेंज में थी, बहुत अच्छी रेंज में थी और नॉन स्टिक। और इसके अलावा वॉलपेपर्स जो कि आप किचन में यूज़ कर सकते हो, जो ना जलते हैं ना वो आपके फ्लोर को गंदा करते हैं, वो भी वहाँ यहाँ पे मिल रहे थे 120 की रेंज में। और हर चीज़ बहुत अच्छी थी यहाँ पर, स्टिक के बर्तन जो हम लेते हैं वो, और ये छन्नी देख लें 180 लिखा हुआ था इसके ऊपर और ये सबसे बिग साइज़ भी 180 का ही था और मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये शॉप। यहाँ पे आपको ड्रॉअर मिल जाएंगे अरेंज करने के लिए, ये हैंगर्स हैं जिन्हें आप अच्छी तरीके से अपनी अलमारी में यूज़ कर सकते हैं, अगर ज़्यादा कपड़े हैं उन्हें हैंग करके आराम से इन हैंगर्स में यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए 180 की ये बड़ी वाली छन्नी जो कि अब मिलती नहीं है, और ये कुछ प्लेट्स थी छन्नी, जैसे हमें कोई स्टीम करना हो तो वो भी यहाँ रखी हुई थी, लकड़ी की चीज़ें। ये भी जो है कढ़ाई जो मैं आपको दिखा रही हूँ छोटी सी, 80 के रेंज में थी। और ये सारी चीज़ें घर के यूज़ की थी और जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इंशाल्लाह मैं दोबारा, आइडिया नहीं था तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ नहीं की। ये सारी प्लास्टिक की चीज़ें रखी हुई थी, ये सब 200-250 के रेंज में था और बहुत अच्छा था। ये बड़ी बड़ी पतीली थोड़ी एक्सपेंसिव थी, मतलब एक्सपेंसिव भी ऐसी नहीं कि बहुत ज़्यादा, ख्याल से मैंने क्योंकि इसके रेट नहीं पूछे थे तो 500 अराउंड थे। और ये कुछ क्यूब्स थी, मतलब आइस क्यूब्स के का जो होल्डर्स होते हैं ये वो थी, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी। ये टिश्यू रोल भी 120 में मिल रहा था जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। और ये सारे बर्तन भी बहुत अच्छे थे, सब बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया था। मैंने तो दिल कर रहा था कि सारी चीज़ें ले लूँ अपने घर के लिए, बट ले नहीं, मैंने कुछ चीज़ें ही ली थी सिर्फ। और
ये शॉप मैं बता देती हूँ ये कहाँ है, गोल मार्केट होगी नाजमाबाद में, जो नाजमाबाद में रहते हैं उनको तो आई थिंक इसका आइडिया होगा। तो ये नाजमाबाद में जो गोल मार्केट है उसकी तरफ अल्लाह वाला रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस, वहाँ पे है ये, उसी के बराबर में। और उसके बाद हम आए थे खाना खाने के लिए वहाँ नेहरे, और उसके बाद हमने रोल्स खाए थे। इनाया को मैंने 3-4 फ्राइज़ी खिलाई थी बस, और बाकी हमने रोल्स खाए थे। इनाया यहाँ पर थोड़ी मस्तियाँ करने के लिए उठ गई थी, वरना वो पूरी शॉप पे सोती ही रही थी। और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है एक इंटरेस्टिंग लुक के साथ, जो कि मैंने माइयों का लुक क्रिएट किया है। आई होप वो वीडियो भी आपको पसंद आई हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब किए बगैर निकल जाते हो ना मेरी वीडियो देखते हो। मेरी वीडियो एंड तक देखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना मेरी वीडियो को, और शेयर कर लेना अपनी फैमिली मेम्बर से। तो